अब बात करते हैं पोलो की। कर्नल गिरधारी सिंह मेमोरियल कप के पहले मुकाबले में जिंदल पैंथर की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और पैंथर्स के लिए यह सब नवीन जिंदल की शानदार कप्तानी और जबरदस्त प्रदर्शन के बदौलत मुमकिन हुआ। मुकाबला बेशक एक तरफा था, लेकिन जिंदल पैंथर की आक्रामकता और फोकस ने एक बार फिर जता दिया कि आखिर क्यों जिंदल पैंथर को पोलो सर्किट की सबसे बेहतरीन टीमों में शुमार किया जाता है। जीतना एक आदत होती है, ये एक बार फिर साबित किया जिंदल पैंथर की टीम ने। इंडियन ओपन पोलो चैंपियनशिप में खिताबी जीत दर्ज करने के बाद कर्नल गिरधारी सिंह मेमोरियल कप के पहले मुकाबले में भी जिंदल पैंथर की टीम शानदार फॉर्म में दिखी। पहले मैच में जिंदल पैंथर की टक्कर अरावली पोलो की टीम से हुई। जिंदल पैंथर की टीम हमेशा की तरह स्टार खिलाड़ियों से लैस थी, जिसमें नवीन जिंदल की कप्तानी में सिमरन शेरगिल, गोफ्रेदो और अजितेश सिंह शामिल थे। वहीं अरावली पोलो की टीम में सानिध्य गर्ग, कुलदीप सिंह, एंटोनियो मंजोरो और उदय कलान जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। मुकाबले की शुरुआत से ही जिंदल पैंथर की टीम अरावली पोलो पर हावी दिखी। जिंदल पैंथर के स्टार खिलाड़ी सिमरन शेरगिल ने बैक टू बैक तीन गोल दाग दिए और शुरुआत से ही ये जता दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारतीय पोलो सर्किट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है। पहले चक्कर में अरावली पोलो ने उदय कलान के गोल से वापसी की कोशिश की, लेकिन पहला चक्कर 3-1 से जिंदल पैंथर के नाम रहा। दूसरे चक्कर में जोर आजमाइश दोनों ही टीमों की तरफ से रही, लेकिन फायदा अरावली पोलो को उदय कलान के इस चक्कर में एकमात्र गोल से मिला। जिंदल पैंथर दूसरे चक्कर में कोई भी गोल दागने में नाकाम रही। 3-2 से जिंदल पैंथर ने बढ़त बनाए रखी। तीसरे चक्कर में जिंदल पैंथर के कप्तान नवीन जिंदल का आक्रामक अंदाज देखने को मिला। इस चक्कर में नवीन जिंदल ने अरावली पोलो को छकाते हुए शानदार फील्ड गोल दागा। कहते हैं अ कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, और ऐसा ही चक्कर में देखने को मिला। अरावली पोलो जहां जिंदल पैंथर के आक्रामक रवैये और टेम्परामेंट से बैकफुट पर दिखी, वहीं कप्तान नवीन जिंदल ने पेनल्टी के जरिए अपना दूसरा गोल दाग दिया। इस चक्कर में जिंदल पैंथर ने अरावली पोलो को पूरी तरह से पीछे धकेल दिया। गोफ्रेदो और सिमरन शेरगिल के एक एक गोल से 7-2 की बढ़त जिंदल पैंथर ने हासिल कर ली। चौथे चक्कर में भी जिंदल पैंथर का ही बोलबाला रहा। बेशक उदय कलान ने अरावली पोलो की तरफ से एक गोल दागा, लेकिन हार का फासला बढ़ता ही दिखा। सिमरन शेरगिल ने जहां मैच का अपना 5वां गोल दागा, वहीं कप्तान नवीन जिंदल ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए अपना 3रा गोल दाग दिया। जिंदल पैंथर ने 9-3 के बड़े अंतर से कर्नल गिरधारी सिंह मेमोरियल कप का पहला मैच अपने नाम किया। पूरे मुकाबले में जिंदल पैंथर की टीम की आक्रामक रणनीति के सामने अरावली पोलो जूझती नजर आई और नवीन जिंदल की शानदार कप्तानी में टूर्नामेंट में जबरदस्त जीत से आगाज किया। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।